आप सभी को नमस्कार। कार्टनीम चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले आपको नए अपडेट मिल सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम प्रीत 987 कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में बात करेंगे। काफ़ी अच्छी कंबाइन हार्वेस्टर है, इसके एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 24,45,000 रुपये है। इस पर आप 70% तक लोन भी करवा सकते हैं। इस हार्वेस्टर में आपको काफ़ी खूबियाँ मिल जाती हैं। इसमें आपको काफ़ी हैवी और अच्छी चदर क्वालिटी मिलती है। लगभग 92 क्विंटल इस हार्वेस्टर में आपको वज़न मिल जाता है और काफ़ी अच्छे सभी पार्ट्स मिलते हैं। काफ़ी साल तक ये हार्वेस्टर कोई मेंटेनेंस नहीं मांगती और आप इसको काफ़ी जल्दी रिपेयर भी कर सकते हैं। सभी चीज़ें टेक्निक के साथ यूज किए हैं। ये हार्वेस्टर बिल्कुल सिंपल है। इसका डीलक्स मॉडल है, वो पूरा ऑटोमेटिक है। इस हार्वेस्टर के गियर की बात करें तो इसमें आपको 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर मिलते हैं। काफ़ी हैवी इसका गियर बॉक्स मिल जाता है और काफ़ी सालों तक ये कोई काम नहीं मांगता। और इसके फीडर की बात करें तो आपको इसमें 51 इंची फीडर मिल जाता है और इसमें आपको 2 पट्टी मिलती हैं, 3 चैने। इसकी लाइटें भी काफ़ी अच्छी दी हैं। और इसके फ्रंट टायर की बात करें तो इसमें आपको 18x38 के फ्रंट टायर है, वही 916 के पीछे के टायर मिल जाते हैं। और इसके कैबिन की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी खुला कैबिन मिल जाता है और यहाँ पर आपको 3 लेयर मिलते हैं, फ्लैट के लिए, कटर के लिए और ऑगर के लिए। और सीट आपको सिंपल मिलती है। और इसके लीवर की बात करें तो इसमें आपको आगे की तरफ 1 रेस के लिए, कटर के लिए और रील के लिए और आइलो के लिए मिल जाते हैं। सिंगल गियर लीवर मिलता है और एडजस्टेबल स्टेयरिंग है। और मीटर मिल जाते हैं आपको इंजन आरपीएम मीटर के लिए और टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर के लिए आपको स्टेयरिंग के आगे की तरफ मिलता है। इसमें आपको प्रेशर ब्रेक मिलते हैं और ड्राई टाइप का कल्च मिल जाता है। इसके ग्रैंड टैंक की बात करें तो इसमें आपको 20 क्विंटल का ग्रैंड टैंक मिल जाता है। वहीं इसके इंजन पावर की बात करें तो इसमें आपको अशोक लैंड का सीरीज का लाल इनो इंजन मिलता है जो 6 सिलेंडर है, 101 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। यह सीरीज का लाल इनो इंजन है। इसमें आपको ये 2200 RPM तक चलता है। इसमें आपको वाटर कोल्ड कूलिंग सिस्टम मिलता है और इसके ऑटो क्लीनर रेडिएटर फैन है और ड्राई टाइप का एयर क्लीनर मिलता है। और इसमें आपको सिंपल ऑगर मिलता है। और इसकी सफाई में मामले में बात करें तो इसमें आपको डबल शिफ्ट मिलती हैं और इसके फ्लोर वाले फैन में आपको 5 ब्लेड है। इसको आप काफ़ी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं अलग अलग फसलों के लिए। इसमें आपको डबल बैटरी बॉक्स मिल जाता है, वहीं काफ़ी बड़ा टूल बॉक्स है। इसमें आप काफ़ी सामान आसानी से रख सकते हैं। इसका पीछे का हिस्सा देखें, काफ़ी मजबूत दिया है। इसमें आपको यहाँ पर डबल शिफ्ट और 5 ट्रावाकर मिल जाते हैं। 7 नंबर की एक रैंक है, वुडन की फिनिशिंग के साथ है। काफ़ी अच्छी चद्दर का प्रयोग किया है। और इसके कटर की बात करें तो आपको 14 फीट का कटर मिलता है और कटर में मोटर मिलती है। काफ़ी अच्छा और हैवी कटर है। इसके रील को आप हाइड्रोलिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 2 थ्रेसर मिलते हैं, गेहूँ वाला और धान वाला। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सभी चीज़ें प्रयोग की हैं, ब्लेड से लेकर फिंगर तक है। इसमें आपको लगभग 360 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है और फ्यूल टैंक के नीचे एयर टैंक है और 7 स्टेपनी मिलती है। और इसका कलर कम्बिनेशन देखें, काफ़ी अच्छा है। सफ़ेद और रेड कलर काफ़ी अच्छा लगता है इस हार्वेस्टर में। काफ़ी अच्छी इसमें लाइटें मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छा लुक है। काफ़ी सभी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं इस हार्वेस्टर में। ड्राइवर और हेल्पर को धूल से बचाने के लिए आगे फैन मिल जाता है धूल को उड़ाने के लिए। और इसमें सिंगल थ्रेसर मिलता है। काफ़ी अच्छे कंबाइन हार्वेस्टर है। इसका एक वीडियो में और रिव्यू किया है और नई हार्वेस्टर जो है इसका DLX मॉडल उस पर भी करेंगे। नई नई वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब